जो सड़कें हैं उन पे लगातार ई रिक्शे हैं वो बढ़ते जा रहे थे। आज एसपी साहब के निर्देश के अनुसार आज ई रिक्शों पे कार्रवाई की गई, कम से कम 52 से 55 ई रिक्शे जब्त कर उनके खिलाफ चालान काटे गए। अजमेर शहर में भी ई रिक्शों की तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, ई रिक्शों के खिलाफ कोई ना कोई जो है इनको शिकायतें मिल रही थी। एसपी साहब के निर्देश अनुसार आज उन पर कार्रवाई की गई, कम से कम 55 ई रिक्शों को जब्त करके उनके खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई। यहाँ शहर में दिन भर चलने वाले ई रिक्शा से सूनी नजर आई आज सड़कें। ई रिक्शाओं के खिलाफ चलाया गया आज अभियान, बार बार शिकायतों के बाद भी आज ई रिक्शाओं के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। अजमेर ट्रैफिक सीओ साहब के निर्देश पर आज अजमेर के ई रिक्शों पर बड़ी कार्रवाई की गई, करीबन 55 ई रिक्शा जब्त कर उनके चालान बनाए गए। ई रिक्शा की मनमानी और बिना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के चला रहे थे। अजमेर ट्रैफिक सीओ साहब के निर्देश पर आज अजमेर में बड़ी ई रिक्शा चालकों की कार्रवाई हुई, करीबन 55 ई रिक्शाओं के चालान बनाए गए। इस दौरान सभी ई रिक्शा कोतवाली थाना में नजर आए। किसी ई रिक्शा की लाइट नहीं तो किसी की कागजात नहीं, यहाँ तक कि इन रिक्शाओं का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। सीओ साहब ने सभी को निर्देश दिए कि सभी ई रिक्शा चालकों पर चेक करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिना नंबर प्लेट के ई रिक्शा, बिना लाइट के, और यहाँ तक कि रातों में बिना लाइट के चलते हैं ये ई रिक्शा। ई रिक्शों के संबंध में बार बार ये शिकायतें मिल रही थी कि रात्रि के अंदर ये मर्जी आए वैसे चलाते थे, कुछ दारू पिए हुए नजर आ रहे थे, कभी किसी यात्रियों के साथ में ऐप बदरवार भी कर रहे थे। इनकी बार बार शिकायतें मिलने पर श्रीमान सीओ साहब यातायात के निर्देश अनुसार आज ये अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान इनके पास में किसी तरह का कोई लाइसेंस भी नहीं पाया गया है, न इनके पास के मैं किसी तरह का कोई कागजात भी है। इन्होंने अभी तक तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाए। 90% तो ऐसे व्हीकल हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और ये TC नंबर से ही चला रहे हैं, जबकि व्हीकल को निकले हुए 8-9 महीने हो गए। आज कितने ई रिक्शों को जब्त किया गया? आज करीब 50-55 के आसपास रिक्शों को चालान किया गया है। उसमें निर्देशानुसार सीओ साहब के सभी ट्रैफिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि भाई जिसके नंबर नहीं है और उसके आगे पीछे नंबर नहीं है, जिसके कोई कागजात नहीं है, उन रिक्शों को कार्रवाई करें। आज ये कार्रवाई की गई है। ये रिक्शा चालक जितने भी हैं ये कोई भी कानून की पालना नहीं कर रहे हैं, ये हर जगह अवेलना कर रहे हैं। सर, ये अभियान आज के लिए है, परमानेंट है? ये अभियान अभी कंटिन्यू चलेगा, ये सीओ साहब का आदेश है, ये कंटिन्यू चलेगा सर। ठीक है, आप कैसे? राम कुमार। हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें।